एसएमएस अस्पताल के नेत्र विभाग में मरीजों में संक्रमण फैलने के मामले को लेकर बड़ी अपडेट है। अब इस मामले में कल्चर रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि कल्चर रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार यहां पर किस तरह का बैक्टीरिया है, कैसे ये बैक्टीरिया ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचा, और क्या ये जो बैक्टीरिया था वो यहां पर बाकी के जो उपकरण हैं उन तक पहुंचा था। ये तमाम जो सवाल हैं इनके जवाब रिपोर्ट के साथ ही मिल पाएंगे। अब इस रिपोर्ट का इंतजार है। अब तक कुल 43 सैंपल ओटी से भेजे गए हैं जांच के लिए, जिसमें हवा के भी सैंपल भेजे गए हैं कि क्या ऑपरेशन थिएटर की हवा में भी इस तरह का कोई संक्रमण था, या जो उपकरण थे ऑपरेशन के दौरान के उनमें ये संक्रमण था। ये साफ हो पाएगा इस रिपोर्ट के आने के बाद। कल्चर रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। 17 मरीजों में ऑपरेशन के बाद ये आंखों का संक्रमण फैला, बाकी के मरीजों की भी पड़ताल की जा रही है। और इस गंभीर प्रकरण के सामने आने के बाद में अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, चौकन्ना है, और तमाम डॉक्टर्स ने न केवल लैब, ऑपरेशन थिएटर, ओटी और आसपास जितना भी इलाका है उसको बारीकी से देखा है, उसकी जांच की जा रही है। जो उपकरण ऑपरेशन के दौरान काम में लिए जा रहे थे उनको जांच के लिए भिजवा दिया गया है। अब जब ये जांच रिपोर्ट आएगी तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार किस तरह का संक्रमण था, क्या ये संक्रमण यहां पर हवा में था, क्या ये संक्रमण जो है वो जो उपकरण है उनके जरिए फैला है, क्योंकि कई मरीज जिनका ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन के बाद उन्हें कई तरह की तकलीफ आई, कई लोगों की आंखों की रोशनी जो है अब वो अब बिल्कुल खत्म होने के कगार पर पहुंच गई। और इस तरह से जैसे ये जानकारी मिली उसके बाद प्रशासन की तरफ से जो अस्पताल प्रशासन है एहतियात बरते गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेश दादी फोन लाइन पर है। महेश, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है कि कैसे आखिरकार ऑपरेशन का जो इलाका था ऑपरेशन थिएटर था वहां पर संक्रमण पहुंचा, इन सवालों के जवाब तो शायद अब रिपोर्ट आने के बाद ही मिलेंगे। जी महेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार अब इंतजार है रिपोर्ट का, और जो कल्चर रिपोर्ट है उसके आने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये स्यूडोमोनास इन्फेक्शन आखिर किस तरह का इन्फेक्शन था, कैसे फैला, कहां कहां इसकी मौजूदगी है, और क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो बाहर से आया, किसी मरीज के जरिए आया, या आखिर क्या हुआ। ये तमाम जो सवाल हैं इनका जवाब रिपोर्ट के साथ ही मिल पाएगा। तो डॉक्टर्स अब रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, प्रशासन भी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। बहरहाल आगे